नमस्ते साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राइट एंड फॉलोअप का वीडियो। मैं हूं आपका साथी प्रदीप मौर्य और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आप में से कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि सर बीएससी नर्सिंग में क्या पीसीएम वाले स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं, मतलब कि हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स मैथ्स ग्रुप से हमने 10+2 यानी कि 12वीं पास किए, क्या हम बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या पीसीएम स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं और कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। साथियों, इस वीडियो को बनाने से पहले हमने कई सारे वीडियोज़ बनाए, उनमें आपको बताया है कि इस स्टेट के इस कॉलेज के अप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं बीएससी नर्सिंग के लिए और इसमें अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट ये है, लास्ट डेट ये है और इसमें ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि ये कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हमने नीट के फॉर्म के बारे में भी जानकारी दी है। तो वहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि कैंडिडेट को यानी कि उम्मीदवार को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश इन विषयों के साथ में 12वीं पास होना चाहिए, मतलब कि कौन कौन से सब्जेक्ट साइंस स्ट्रीम में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी हो या फिर बायोलॉजी की जगह पर बायोटेक्नोलॉजी हो और अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, ये सब्जेक्ट जिन्होंने 12वीं में लिए थे या फिर समकक्ष परीक्षा में लिए थे वे एलिजिबल हैं, वे एडमिशन ले सकते हैं। बात करें मार्क्स की तो कम से कम 45% यानी कि 45% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, ये जो तीन सब्जेक्ट हैं इसके कम से कम 45% होने चाहिए मार्क्स मिला करके, मतलब कि एग्रीगेट मार्क्स। ठीक है, और अगर आप एक एससी या फिर एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो ऐसे में ये जो तीन सब्जेक्ट हैं इनके मार्क्स मिला करके कम से कम 40% हैं तब भी एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा वहाँ पर लिखा होता है। और इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट है 10+2 लेवल पर, ये भी लिखा होता है। ठीक है, वहाँ पर हमें ये कहीं देखने को नहीं मिला कि इसमें आर्ट्स और कॉमर्स और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि कहना बिल्कुल क्लियर ये है कि इसमें मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं ले सकते हैं 10+2 यानी 12th के बाद जो बीएससी नर्सिंग का 4 साल का कोर्स होता है उसमें। यहाँ पर हो सकता है कि आपका सवाल ये हो कि सर हमें नर्सिंग की फील्ड में ही जाना है, नर्स ही बनना है, लेकिन जब हमने 11th में सब्जेक्ट लिया था तो हमने ये नहीं सोचा था कि हमें नर्स बनना है, लेकिन अब नर्स बनने का मन है, हमें इस फील्ड में ही जाना है, हमारा इस फील्ड में इंटरेस्ट हो गया है। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए बीएससी नर्सिंग में डायरेक्ट एडमिशन तो आप नहीं ले सकते, आप चाहो तो बीएससी पैरामेडिकल का कोर्स कर सकते हो। बीएससी पैरामेडिकल के जो कोर्सेज होते हैं इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यानी पीसीएम और पीसीबी दोनों स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो आप चाहो बीएससी पैरामेडिकल का कोर्स कर सकते हैं, उसमें भी आप मेडिकल की फील्ड में ही काम करोगे। देखिए नर्स का काम कुछ अलग रहता है और उससे संबंधित जो कार्य रहता है मेडिकल के फील्ड में वो पैरामेडिकल वाले करते हैं, तो चाहो तो बीएससी पैरामेडिकल कोर्स आप कर सकते हैं, या फिर एक तरीका ये भी है करने का, आप जेएनएम नर्सिंग का कोर्स कर सकते हो। देखिए कुछ जो एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं जेएनएम नर्सिंग के, जेएनएम का जो डिप्लोमा होता है नर्सिंग के फील्ड में इसकी ड्यूरेशन होती है 3 साल और 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, इस तरीके से 3.5 साल लग जाते हैं। ठीक है, तो जेएनएम नर्सिंग के जो कुछ जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होते हैं कुछ स्टेट के एंड कुछ कॉलेजेस के, तो वहाँ पर ये लिखा होता है कि कैंडिडेट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश इन विषयों के साथ में 12वीं पास हो, मतलब कि उसने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश इन विषयों के साथ में 12वीं की हो, वे एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन कुछ जो फॉर्म निकलते हैं जेएनएम नर्सिंग के वहाँ पर ये लिखा होता है कि कैंडिडेट ने यानी कि उम्मीदवार ने 12वीं में अंग्रेजी सब्जेक्ट पढ़ा हो, उसने इंग्लिश सब्जेक्ट स्टडी किया हो, स्ट्रीम कोई भी हो, आर्ट्स हो या फिर कॉमर्स हो या फिर साइंस में पीसीएम हो या फिर पीसीबी हो, मतलब कि 12वीं में केवल इंग्लिश सब्जेक्ट होना ज़रूरी होता है, ऐसा लिखा होता है। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं जेएनएम नर्सिंग में तो उन एप्लीकेशन फॉर्म को देखिए जिनमें क्या लिखा होता है कि उसमें केवल इंग्लिश सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, स्ट्रीम उनके लिए मायने ना रखे, उन एप्लीकेशन फॉर्म में आप अप्लाई करें, एडमिशन आप ले सकते हैं। इस तरीके से कोर्स ये आपका कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद आप चाहें तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर पाएंगे। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की ड्यूरेशन होती है 2 साल यानी कि 2 ईयर्स, और आप जेएनएम नर्सिंग का कोर्स करने के बाद भी नर्सिंग की पोस्ट पर काम कर सकते हैं, नर्स बनकर काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी निकलती है जेएनएम वालों के लिए, तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपको लगता है कि हमें डिग्री करनी चाहिए, हमें ग्रेजुएशन की डिग्री जो होती है नर्सिंग के फील्ड में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हमें वो करना चाहिए, तो आप चाहो तो जेएनएम नर्सिंग के बाद वो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आप जेएनएम के बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग ही करें, मतलब ज़रूरी नहीं होता है, आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीके हैं आप अपना सकते हैं। वैसे आप फार्मेसी में इंटरेस्टेड हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं ये फार्मेसी में भी जा सकते हैं, डी फार्मा या फिर बी फार्मा कर सकते हैं,
इंजीनियरिंग की फील्ड में जा सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, बी कर सकते हैं, डिप्लोमा भी कर सकते हैं इंजीनियरिंग में, और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं। 10+2 लेवल पर जो एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स, उनकी फील्ड में भी आप जा सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं एंड सेलेक्ट हो सकते हैं। मतलब कि करियर ऑप्शंस आपके सामने बहुत हैं, बट अब आपको देखना है कि हमें क्या करना है, किस में इंटरेस्ट है। आपको जो सही लगे उसमें आप उसके बारे में जानकारी लीजिए, मेहनत कीजिए, और जब आप मेहनत करेंगे, सही दिशा में काम करेंगे, तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको एक सर्टिफिकेशन देने वाला जवाब मिला होगा, जानकारी मिली होगी। वीडियो जानकारी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए, जिससे आपको वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग, JNM नर्सिंग के, BSc नर्सिंग के एंड अलग अलग कोर्सेज के। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।